खलिहान में रखे धान के गट्ठर में अज्ञात कारणों से लगी आग, पूरी फसल जलकर हुई राख। सोनभद्र के ओबरा थाना क्षेत्र के पनारी ग्राम पंचायत के टोला चैरिगवा में खलिहान में रखे धान के गट्ठर में अज्ञात कारणों से अचानक आग लग गई। स्थानीय ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, तब तक पूरी तरह फसल जलकर खाक हो चुका था। ग्राम प्रधान ने पीड़ित को मुआवजा दिए जाने की बात कही है। जानकारी के अनुसार ओबरा थाना क्षेत्र के पनारी ग्राम पंचायत के टोला चैरिगवा में पीड़ित शिव प्रसाद पुत्र भैया राम की धान की फसल रखी थी। अचानक अज्ञात कारणों से खलिहान में रखे धान के गट्ठर में आग लग गई। धूं धूं कर जलते फसल को देख पीड़ित के साथ स्थानीय ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, तब तक हजारों रुपए की फसल पूरी तरह जलकर राख हो चुका था। सूचना पर पहुंचे ग्राम प्रधान प्रतिनिधि लक्ष्मण यादव ने पीड़ित को आश्वासन देते हुए बताया कि नुकसान की भरपाई सरकार द्वारा जरूर की जाएगी। आग से हुए नुकसान के बाद पीड़ित किसान का रो रो कर बुरा हाल है। खबर जगत के लिए सोनभद्र से मनोज सिंह राणा की रिपोर्ट। सी प्रसाद, कैसे आग लग गया आपका धान जो है, जल गया? अचानक कैसे लग गया, देखे जल रहा है, आए दौड़ के देख के पानी डाले, जल गया। कितना धान आपका लगभग जल गया पूरा? 12 क्विंटल तक होता है। 12 क्विंटल। चलिए, कौन सा ग्राम पंचायत है आपका? चोरीवा है। चोरीवा। और ये किस ब्लॉक में आता है? ये 54 ब्लॉक से पनारी। और ये पनारी है। क्या नाम है आपका? शिव प्रसाद। और पिता का नाम? भैया राम। चलिए ठीक है। तो आपने जो है ये प्रधान जी को सूचना नहीं किए? अभी नहीं किए। चलिए ठीक है।